डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नरेशन सीरीज की पांचवी वीडियो। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। जब आपके एग्जाम में डायरेक्ट नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तब आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलोगे, ये सारे के सारे प्रोसेस को आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, बेसिकली इसका दो पार्ट होता है, मतलब ये दो टाइप्स का होता है। पहला जो टाइप है जिसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस, और दूसरा जो टाइप है जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है कि यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, तो आपको ये ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से रूल और जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आए। तो देखिएगा, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसका जवाब या तो यस में या तो नो में मिलता है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो ऑग्जिलरी वर्ब से या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, उसे हम यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश किया हूँ। पहला सेंटेंस है एम आई राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेंटेंस ऑग्जिलरी वर्ब एम से स्टार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका यस नो क्वेश्चन वाला ही है। अब दूसरा एक और होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला सेंटेंस बेसिकली ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत या तो डब्ल्यू वाले वर्ड से या फिर एच वाले वर्ड से शुरू होता है। डब्ल्यू या एच से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम डब्ल्यू एच या फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ वाई एम आई राइटिंग ए लेटर। तो ये सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ये वाई से हो रही है, जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने पहले वाली वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि जो इनडायरेक्ट नरेशन और जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं ना, वो फुल्ली यानी टोटली डिपेंड करता है डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच पे, कि जो डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस नेचर का है, मतलब किस पर्टिकुलर सेंटेंस में है, उसी सेंटेंस के हिसाब से जो रूल लगता है उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस का अलग रूल बताऊंगा और उसका प्रैक्टिस अलग कराऊंगा, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अलग से रूल बताऊंगा और उसका प्रैक्टिस अलग कराऊंगा, क्योंकि दोनों के रूल में बहुत डिफरेंट है और ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दो तीन जो कंसेप्ट है ना उसी का डिफरेंट है, लेकिन मैंने ऑफलाइन मैं पढ़ाता हूँ तो पता चल जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने अलग अलग यहाँ पे रखा हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है रूल्स फॉर यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेज, मतलब जो मैं अभी आपको रूल बताने वाला हूँ वो यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस के लिए है। तो अब यहाँ पे अब आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर डायरेक्ट नरेशन, ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि अगर डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच, अब यहाँ पे आपको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, ये पार्ट वन वाली वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है।
तो कहता है कि अगर डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चन का बना हो, यस नो क्वेश्चन का बना होने का सीधा मतलब है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा ना वो ऑग्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। इस तरीके से एम आई राइटिंग ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर, मतलब कोई ना कोई ऑग्जिलरी वर्ब से ही शुरू होगा। तो आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। अब यहाँ पे सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको डायरेक्ट नरेशन के प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आपको ये पहले सबसे पहला ध्यान आपको जाना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच पे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि जो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस है, तभी आप रूल लगाओगे ना, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल की ज़रूरत है। तो मैं जो रूल पढ़ा रहा हूँ, जो अभी बता रहा हूँ, ये है यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस। मतलब कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चन वाला होगा तभी आप ये रूल को अप्लाई करोगे। तो हमारा पहला रूल है, कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब को, आपको पता होगा मैंने पहले बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ना भी याद है ना तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि सब्जेक्ट का प्रयोग कर रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क आस्क आस्क्ड में बदल दें। मतलब जिस हिसाब से टेंस का नेचर होगा ना उस हिसाब से आप बदलोगे, मतलब आस्क में या आस्क में बदलोगे जब आपका प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जब पास्ट का होगा तब आप आस्क्ड में बदलोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या फिर आस्क या फिर आस्क्ड में बदल दें। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे लॉजिकली बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी रटवाने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दूसरा स्टेप है, कहता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तभी तो करोगे ना, और नहीं होगा तो आप नहीं बदलोगे, नहीं करोगे, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में बदल दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझिएगा, होता क्या था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता था उसमें हमने पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में बदल दें। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को आप इफ़ या वेदर में बदलोगे। अगर आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा कुछ इस तरीके का होगा तो उसके लिए अलग रूल है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो एक दूसरे से रूल को रिलेट करके समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको याद होगा। तो फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब को आस्केड में बदलने के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में बदलना है। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे कि इन्वर्टेड कॉमा को डाइट में बदलें, ये गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए तीसरा जो स्टेप है, कहता है उसके बाद टेंस, पर्सन, जेंडर, केस को ध्यान में रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए का क्या बात है, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पार्ट वन पार्ट टू वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेंस चेंजिंग का रूल, पर्सन चेंजिंग का रूल। तो जो जितने सारे जो चेंजिंग है ना वो सारे चेंजिंग को आप ध्यान में रखोगे, पूरे का पूरा नरेशन बनाते समय आपको वो सारी बातें याद रखनी है। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि टेंस, पर्सन, जेंडर जितने सारे जो चेंज थे ना उसको ध्यान में रखते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल दें। यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, पहली बातें कि आपको बनाते समय ये चेंजिंग भी माइंड में रखनी है कि
कि कब टेंस चेंज होगा और कब पर्सन चेंज होगा, या फिर और सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो कब चेंज होंगे, ये सारे रूल मैं आपको करवा चुका हूँ। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इसको आपको चेंज करके असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव में बदलना होगा। हर हालत में आपको इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस ही होना चाहिए। अब यहाँ पे समझना कि कैसे हम इसको असर्टिव में बदलेंगे, तो सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने बताया उसको मैं आपको अब करके दिखाने वाला हूँ। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो प्रश्न है लिखा हुआ है सी सेड टू मी आर यू गोइंग टुमारो। आपने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना जैसे ही प्रश्न मिले तो आपका दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से जो बंद होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ध्यान गया ऐसे ही आपको समझ में आया कि ओ ये जो सेंटेंस है ना इंटेरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो जब यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो ये रूल लगेगा, ठीक है। तो जब भी आपको प्रश्न मिले तो सबसे पहला दिमाग यहाँ पे और दूसरा ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए कि ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस चेंज होगा, और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको टेंस चेंज वाले वीडियो में बताया है। अगर आप अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नरेशन को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आपको टेंस जैसे जैसे मैं करवाया हूँ एकदम सीरियल नंबर से वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहला जो स्टेप था क्या था, सब्जेक्ट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क आस्क या आस्केड में बदल दें। देखिए होता क्या है ना, ऑफलाइन में मैंने देखा है स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको, तो उनको मैं कहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से एक स्टेप पढ़ो और एक स्टेप बनाओ, फिर दूसरा स्टेप पढ़ो फिर बनाओ आप जो नरेशन दिया गया, फिर तीसरा स्टेप पढ़ो और फिर बनाओ। तो आपको भी ऐसे करना है, जिनको तो समझ में आ रहा है उनको लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कुछ नहीं, बस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पढ़ेगा और यहाँ पे कुछ बातें लिखेगा, फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप पढ़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ बातें लिखेगा, फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप पढ़ेगा, और फिर यहाँ पे मतलब ऐसे अगर आप करोगे 4 से 5 बार तो आपको कितना भी वीक स्टूडेंट होगा ना तो समझ में आएगा। तो चलिए मैं करता हूं। तो सबसे पहला स्टेप में लिखा हुआ कि सब्जेक्ट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलें, तो मैंने कर दिया। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो सी का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, और यहाँ पे सेड किस में, पास्ट में ना है तो पास्ट में से तो आस्क्ड होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आस्क्ड, यानी फर्स्ट स्टेप का काम मैंने कर दिया। अब दूसरा स्टेप में है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदल दें, तो मैंने दूसरा काम भी कर दिया। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमा को इफ में बदल दिया है। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ तक दूसरा काम कर दिया है। अब तीसरा स्टेप पढ़ते हैं। मैं ये मानकर बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब आपको अगर ना भी आता है ना तो भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या था देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि टेंस पर्सन जेंडर केस को ध्यान में रखते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दें, तो चलो यही काम करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस है ना इंटेरोगेटिव है। कैसे पता चला, क्योंकि सबसे पहले आर लगा हुआ है इससे पता चला ना, तो इसको हम असर्टिव में बदलेंगे। तो अब असर्टिव कैसे बदलेंगे ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है आर पहले लिखा हुआ है और सब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा पलटा कर देंगे, मतलब यू को लिख देंगे पहले और आर को लिख देंगे बाद में। तो
तो जब ध्यान से देखना यहाँ पे, आर यू गोइंग टुमारो, तो जब इसको आप असर्टिव में बदलोगे तो हो जाएगा आपका यू आर गोइंग टुमारो। समझ में आया? तो अब हम इसको अब नरेशन बनाते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया था। अब यहाँ पे देखो, सेकंड पर्सन जो है ना यू, ये पर्सन को भी ध्यान में रखते हुए बोला था ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो मी है, तो मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरी बात और ध्यान में रखने के लिए बोला था कि टेंस का भी ध्यान रखिएगा आप। तो जो डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है? हाँ बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस में। बताया था ना, टेंस चेंजिंग में बहुत अच्छे से बताया है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई के अनुसार वाज लग गया। ठीक है, मैं ठीक चल रहा हूँ टेंस के हिसाब से। अब यहाँ पे गोइंग था, तो ये वी फोर था, तो मैंने भी वी फोर लिख दिया, आई वाज गोइंग। अब यहाँ पे टुमारो, ये भी चेंज करने के लिए बताया था, तो टुमारो बदलेगा हमारा द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर ना भी आया है ना, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनो और समझो तभी आएगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल। कहता है, सोनू सेड टू मी, डू यू राइट अ लेटर? तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो है ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन वाला है। अच्छा, एक बात और बताना, ये कौन सा टेंस है? ये तो आपको पता चला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? कैसे पता चला हमें? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ऑग्जिलरी वर्ब होता है वो डू या फिर डज होता है। ठीक है, इससे पता चला मेरे को। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो सोनू ही लिखेंगे, और यहाँ पे सेड फिर से पास्ट में है, तो सोनू आस्क्ड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी, तो इतना काम तो हम कर लेंगे, सोनू आस्क्ड मी। क्लियर? और इन्वर्टेड कॉमा को डैट में नहीं बदलेंगे। क्या, किस चीज़ में बदलेंगे? इफ में। तो मैंने ये भी कर लिया, सोनू आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे दो बातें याद रखेंगे। पहला तो टेंस भी चेंजिंग का ध्यान रखना है, दूसरा पर्सन चेंजिंग का भी ध्यान रखना है, और तीसरा यहाँ पे जो सेंटेंस है ना इंटेरोगेटिव है, इसको असर्टिव भी बनाना है। तो चलो करते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई, और जब असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट आया। अब यहाँ पे गौर से देखना, ये जो टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो हमने राइट का वी टू लिख दिया रोट, और बाकी का सेम बात लिख दिया रोट अ लेटर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे पर्सन भी चेंज हो गया, टेंस भी चेंज हो गया, और जो सेंटेंस था इंटेरोगेटिव वो असर्टिव में भी बदल गया। तो चलिए तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल है, ही सेड टू मी, हैव यू कुक्ड फूड टुडे? अब यहाँ पे भी ये जो सेंटेंस दिया हुआ ना, ये भी इंटेरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है। तो चलो इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या फिर आस्क या फिर आस्क्ड में बदल दें। तो यहाँ पे तो मैंने बदल दिया, ही आस्क्ड मी। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को भी इफ में बदल दिया। डैट में नहीं बदलना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डैट में नहीं बदलते, इफ में बदलते। ठीक है, अब तो यहाँ तक हो गया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे है यू, और ये ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे दो काम हमें करना है, दो नहीं तीन चार काम करना है। पहली कि ये जो हैव यू है ना, ये इंटेरोगेटिव है, इसको हमें बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। तो हैव यू कुक्ड फूड टूडे, तो इसको मन ही मन बदलेंगे तो
तब हो जाएगा यू हैव कुक्ड फूड टुडे। मैंने बताया ना, कुछ नहीं करना है, ये यू को लेके आ जाना है हैव की जगह पे और हैव को लेके चला जाना है यू की जगह पे, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना है, टेंस भी चेंजिंग का ख्याल रखना है और साथ साथ में पर्सन भी चेंजिंग का ख्याल रखना है और साथ में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने तरह का चेंज होता है सारे का ख्याल रखना है। तो यहाँ तक तो ठीक है आई। और ये जो टेंस दिया हुआ था ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, कैसे पता चला? क्योंकि हैव प्लस वी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस वी थ्री, तो यहाँ पे मैंने आई हैड कुकड, मैंने कर दिया हैड प्लस वी थ्री, उसके बाद फूड भी लिख दिया। और टुडे किस में बदलता है? डैट डे में, ये भी बताया है। तो हमारा जो सेंटेंस बना वो हो गया आपका ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कुकड फूड डैट डे, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए हमारा जो 4 नंबर का एग्जांपल है, कहता है सी सेड टू मी डिड यू नॉट लाइक माई सिस्टर। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो दिया हुआ ना, ये भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अच्छा एक बात और, ये कौन सा टेंस है? डिड लगा हुआ है ना, तो डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। तो चलो इसको बनाते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड करूँगा क्योंकि 2-3 बहुत अच्छे से समझा दिया। तो सी आस्क्ड मी, आस्क्ड इसीलिए बदला क्योंकि यहाँ पे सेड था, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ़ लिखा, यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। और दूसरी बात, दिया हुआ सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है तो इसको हमें बदलना है असर्टिव में। तो चलिए बदलते हैं। सेकंड पर्सन यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अनुसार यहाँ पे आई होगा। और पास्ट परफेक्ट में जब टेंस चेंज होगा तो हैड प्लस वी थ्री, तो मैंने कर दिया आई हैड नॉट लाइक्ड। नॉट इसीलिए लगाया क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में भी नॉट लगा हुआ था, तो आई हैड नॉट लाइक्ड, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे देखिए माई है ना फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी के अनुसार बदलेगा तो हर होगा, तो यहाँ पे हो गया हर सिस्टर। पांचवा एग्जांपल देखिए, सनी सेड टू हिम वाज आई नॉट हेल्पिंग यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो बातें। पहली बात है कि ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का है और इसी का तो हम पढ़ रहे हैं रूल, है ना। और दूसरी बात है कौन सा टेंस का है, तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला? क्योंकि बाज बर प्लस भी फोर होता है पास्ट कंटिन्यूअस और यहाँ पे बाज प्लस भी फोर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बनाएंगे उसी तरीके से सनी आस्क्ड हिम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ़ का प्रयोग, यहाँ पर देखिएगा आई है ना, डायरेक्ट नरेशन में देखिए आई बाज के बाद लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हीम है, हीम बॉय के लिए यूज होता है लड़का के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा ही। और जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है ये पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हैड नॉट बीन हेल्पिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस बीन प्लस वी फोर, तो मैंने वही तो लिखा हैड बीन प्लस वी फोर। नॉट इसीलिए लगाया क्योंकि आपको प्रश्न में भी नॉट था। अब यहाँ पे यू है ना सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीम है, तो हीम के अनुसार आपका हीम ही होगा जब यू चेंज होगा। और यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव के दूसरे, जो दूसरा टाइप है उसके तरफ। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंने लिख रखा है रूल्स फॉर डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंसेज, मतलब जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस आएगा इंटेरोगेटिव का उसको आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपके लिए समझाने के लिए, उसके बाद रूल बताऊँगा। देखिए ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि देखिए तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वेयर है ना, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो वेयर आर यू गोइंग टूडे,
तो इस तरीके का अगर आपको डायरेक्ट नरेशन के प्रश्न मिलते हैं तो उसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बनाओगे, उसके लिए रूल को ध्यान से देखो। तो वही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है कि अगर डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच WH क्वेश्चन का बना हो तो आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय निम्न बातों का ध्यान दें। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाला भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है, अगर ये WH सेंटेंस है तब आपको ये रूल पर ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला चलिएगा स्टेप वन वही है जो उसमें था। अब यहाँ पे एक दूसरे को कंपेयर करना है तभी याद रहेगा आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क आस्क आस्क्ड में बदलें। तो जब मैं पहले बता चुका हूँ तो ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊँगा, बस मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। तो सबसे पहला बात यानी पहली स्टेप ये करनी है। दूसरी स्टेप है उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके, ऑब्जेक्ट रहेगा तो करना, इन्वर्टेड कॉमा को, हाँ ये समझाने वाली बात है, इन्वर्टेड कॉमा को डैट में ना बदलें, डैट इफ या वेदर में ना बदल कर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं साफ साफ इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डैट में बदल देते हैं, कुछ लोग इफ में बदल देते हैं, कुछ लोग वेदर में बदल देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ कर लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा को डैट इफ या वेदर में ना बदल कर। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जब आपको WH क्वेश्चन का सेंटेंस मिलेगा तो आपको कुछ में नहीं बदलना इन्वर्टेड कॉमा, चुपचाप इन्वर्टेड कॉमा को गायब कर देना, बस कुछ भी में नहीं बदलना, WH वर्ड को ठीक वैसे ही लिख दें। अब यहां पे समझने वाली बात है कि इन्वर्टेड कॉमा को तो नहीं बदलोगे लेकिन जो WH वर्ड रहेगा ना, वाई वेयर भेन व्हाट ये सब रहेगा, उसको सेम टू सेम लिख देना इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। और कैसे लिखेंगे वो आगे तो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, करवाने वाला हूँ। तीसरा है वही बातें कि टेंस को ध्यान में रखना है, पूरा नरेशन बनाते समय सारी बातें ध्यान रखना, टेंस पर्सन जेंडर केस को ध्यान में रखते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दें। तो अंतिम जो स्टेप है वो सेम स्टेप वही है। स्टेप क्या है कि आपको जब नरेशन बनाओगे तो टेंस का भी ख्याल रखना है, पर्सन का भी, जेंडर का भी, केस का भी, और साथ ही साथ जितने तरह के चेंजिंग होते हैं सारे चेंजिंग को ध्यान में रखते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है, ठीक है। और मैंने अभी बताया ना इंटरोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदलते हैं, और फिर चलो फिर भी बता देता हूँ दोबारा से। तो पहला प्रश्न है, मोहन से टू मी वेयर आर यू गोइंग टुडे। अगर नहीं समझ में आया है तो ध्यान से सुनना, अब की बार समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, तो वेयर आर यू गोइंग टुडे, जैसे ही आपको ये सेंटेंस दिखाई दिया तो आपको पता चला कि ये WH क्वेश्चन का है, मतलब ये रूल लगेगा, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि पहला स्टेप तो यही है, तो मोहन को इनडायरेक्ट नरेशन में मोहन लिख देंगे और सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को तो मी ही लिख देंगे। तो चलो इतना काम कर देते हैं, मोहन आस्क्ड मी। और दूसरा स्टेप कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को डैट इफ या वेदर में नहीं बदलते, ठीक है, तो मैंने नहीं बदला, क्या करते WH वर्ड को ठीक वैसे ही लिख देते, मतलब जो WH वर्ड डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है वही WH वर्ड को इनडायरेक्ट नरेशन में सेम टू सेम लिख देना है। तो चलो लिख दिए, है ना, यहाँ पे वेयर था तो यहाँ भी वेयर का प्रयोग कर दिए। अब काम करना है आगे, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो अगला स्टेप है कहता है सारे बात को ध्यान में रखो, टेंस पर्सन जेंडर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव में बदलो। तो अब इसका ख्याल रखेंगे, तो यहाँ तक तो वेयर तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, आर यू गोइंग टुडे कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना। तो टेंस तो मैंने देख लिया, अब दूसरा बात यहाँ पे आर यू गोइंग टुडे है तो इसको मन ही मन समझेंगे यू आर गोइंग टुडे। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, पर्सन भी तो चेंज करना है, तो यहाँ पे आई, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ना आपका प्रश्न, तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो आई के साथ बाज लगेगा, उसके बाद भी फोर लगेगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस भी फोर। उसके बाद लास्ट स्टेप टुडे, टुडे किस में बदल लेगा, डैट डे में, तो मैंने कर दिया आई वॉज गोइंग डैट डे। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है सुनीता सेड टू हिम व्हेन हैव यू कुक्ड फूड। अब यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस डब्ल्यू एच क्वेश्चन का है, क्योंकि व्हेन से शुरू हो रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी ठीक ऐसे ही बनाएंगे। सुनीता आस्क्ड हिम, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया और हिम ऑब्जेक्ट था उसको भी लिख दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इन्वर्टेड कॉमा को कुछ में नहीं बदला है, और यहाँ पे डब्ल्यू एच जो वर्ड था डायरेक्ट नरेशन में उसको सेम टू सेम इनडायरेक्ट नरेशन में लिख दिया, तो भेन तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हैव यू कुक्ड फूड को मन ही मन यू हैव कुक्ड फूड समझना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो चलो बदलते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हीम है तो हीम के अनुसार ही होगा, ठीक है। और जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड प्लस भी थ्री, तो यहाँ पर हैड भी थ्री, हैड कुक्ड, क्लियर, फूड, उसके बाद तो फूड लिख ही देना है। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आई सेड टू माई फ्रेंड्स व्हेन आर यू टेलिंग द ट्रूथ। अब ये बोल रहा है, तो अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका जो प्रश्न है ना ये भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन का है, भेन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, और इन्वर्टेड कॉमा को ना बदल कर, याद रखिएगा नहीं बदलेंगे जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा, तो भेन को डायरेक्ट लिख दिए, तो भेन तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर यू टेलिंग द ट्रूथ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो माई फ्रेंड्स प्लूरल है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, थर्ड पर्सन का प्लूरल, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दे। अब दे के साथ बर लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है बाज वर प्लस भी फोर, तो मैंने दे यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल लगेगा ना वर, तो दे वर टेलिंग द ट्रूथ। क्लियर। और एक बात याद रखना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में भरने के लिए भी आर्टिकल के क्वेश्चन, टेल द ट्रूथ होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रश्न ना आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं इसको डाला हूँ, नहीं तो नहीं डालता इतना ईजी, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे है ही आस्क्ड मी हो जाएगा, क्योंकि सेड टू आस्क में बदलेगा, तो ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट था तो व्हाट को भी इनडायरेक्ट नरेशन में लिख दिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, योर योर सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो मी है, तो मी के अनुसार माई हो जाएगा, और उसके बाद नेम आएगा, क्योंकि योर नेम साथ ही साथ आएगा, ये एडजेक्टिव है ना, तो नाम जो नाउन है उसको लेके चलेगा, तो माई नेम। और यहाँ पे इज था, तो इज किस में चेंज होता है, बाज में, मैंने बताया ना इज एम आर बाजवर में, तो बाज हो जाएगा, माई नेम सिंगुलर है इसलिए बाज ही होगा, तो यहाँ पे आपका हो गया व्हाट माई नेम बाज। चलिए पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है साक्षी सेड टू हिम व्हेन हैव यू स्टोलेन माई पेन, सॉरी माई वॉच, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बनाते हैं, साक्षी आस्क्ड हिम हो जाएगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा साक्षी आस्क्ड हिम, अनइनवर्टेड कॉमा को ना बदल कर भेन को डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हैव यू स्टोलेन माई पेन, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीम है, तो हीम के अनुसार हो जाएगा आपका ही,
है ना। और जब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड प्लस भी थ्री, तो यहाँ पे हैड प्लस भी थ्री यानी हैड स्टोलेन। अब यहाँ पे माई वॉच को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है माई, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट साक्षी के अनुसार ये कोई लड़की है, तो इसके लिए हर होगा ना, हर वॉच। क्लियर, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो और देखेंगे जो नरेशन की जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग और सारे जो इम्पोर्टेंट रूल है उसको देखेंगे। आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।